इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज भी पेगासस जासूसी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में पर्चे फेंके और खूब हंगामा किया। तो लोकसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर विपक्षी सांसदों ने न सिर्फ पर्चे फेंके बल्कि पेगासस जासूसी मामले के मद्देनजर जमकर हंगामा भी उनके द्वारा किया गया। माननीय सदस्यगण, तो ये तस्वीरें आप लोकसभा की देख रहे हैं, जहां एक तरफ सदन में अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के सांसद हैं वो देखिए किस तरह से हवा में पर्चे उठाते हुए फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, वेल में पहुंचकर सांसदों द्वारा विपक्ष के पर्चे फेंके गए और एक बार फिर से यहां पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। तो संसद में जासूसी विवाद पर, जासूसी मुद्दे पर आज एक बार फिर से विपक्ष का ये हंगामा, पर्चे विपक्ष द्वारा फेंके गए। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, लोकसभा में फिर से पर्चे उड़ाए गए। तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही की तस्वीर आप सीधी देख रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राज्यसभा का सदन जो है वो एडजर्न कर दिया गया था, एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हुई है। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, प्लीज, धन्यवाद उपसभापति जी। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जो समस्या है वो यहाँ पर 377 के माध्यम से रखना चाहता हूँ। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, CRF के माध्यम से जो फंड, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको जो दिए जाते हैं, और CRF के माध्यम से जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छे फंड्स जो हैं वो पर्याप्त फंड्स जो हैं उपलब्ध करवाए गए थे, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो सेंक्शन हुए हैं। उन प्रोजेक्टों पर तेज गति से काम चल रहा है, लेकिन अब कोरोना की वजह से वह काम फंड्स की कमी से मंद गति से चल रहे हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जिस कारण रोजाना कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है। अतः आपके माध्यम से सरकार की कार्यवाही 12:30 तक स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की तस्वीरें आप देख रहे थे, कार्यवाही को 12:30 तक के लिए स्थगित किया गया है, यानी कि हाउस को एडजर्न किया गया है। लगातार विपक्ष के द्वारा पर्चे फेंके जा रहे थे, हंगामा किया जा रहा था, हालांकि उपसभापति यहां पर उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। कार्यवाही सुचारू रूप से आगे बढ़ने नहीं दी जा रही थी विपक्ष के हंगामे की वजह से, और ऐसे में उपसभापति को हाउस को 12:30 तक के लिए एडजर्न करना पड़ा है। ये राज्यसभा की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी बात रख रहे हैं। अब है कि प्लेन के अंदर और एयरपोर्ट के अंदर भी द्विभाषी होनी चाहिए, अंग्रेजी के साथ प्रादेशिक या हिंदी भाषी भी होना चाहिए। उनका सुझाव एक अच्छा सुझाव है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बिहार में बेगूसराय, बरौनी में औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ लोगों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है, औद्योगिक नगरी होने के कारण क्या वहाँ वायुयान सेवा को आंतरिक वायुयान सेवा से जोड़ने की मांग सरकार स्वीकार करेगी? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सांसद जी को आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूँ कि ये प्रश्न दोबारा नामांकन के साथ जुड़ा हुआ है।
लेकिन हमारी कोशिश है हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी सोच और विचारधारा थी, एक दूर दृष्टिकोण था कि हमारे देश में हवाई चप्पल वाले पहनने वाले भी हवाई सफर कर पाए, उनका जो एक सोच विचारधारा है उसे निर्धारित करते हुए क्षेत्रीय संपर्क योजना हमने शुरुआत की थी। इसके आधार पे पिछले 4 सालों में करीब करीब 350 नए रूट हम लोगों ने शुरुआत की है, करीब करीब 59। और मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, लोकसभा की तस्वीरें हमने देखी, किस तरीके से पर्चे उड़ाए जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर क्या एक्शन लिया गया? और जितना हंगामा हुआ उसकी तस्वीरों का बहुत छोटा हिस्सा आप देख पा रही हैं, क्योंकि आज जो हंगामा था उसकी स्थिति ये हो गई कि ऊपर जो प्रेस गैलरी होती है, नीचे सांसदों ने प्लेकार्ड उड़ाकर ऊपर प्रेस गैलरी तक फेंका, इतना ऊंचा वो फेंक रहे थे, और स्पीकर टेबल के तरफ चेयर तरफ वेल में जो मौजूद सांसद थे खेला होबे का नारा लगाते हुए लगातार कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे थे, और न सिर्फ टेबल पर फेंक रहे थे बल्कि स्पीकर चेयर के तरफ भी कुछ कागज के टुकड़े फेंके गए, और ये कागज के टुकड़े ऐसा नहीं था कि 2-4 फेंके जा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में उन्हें उड़ाया जा रहा था, और लगातार क्योंकि कागज फेंका जा रहा था नारेबाजी हो रही थी, तो उसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा चेयर को। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही विचित्र और अजीबोगरीब स्थिति आप कह सकते हैं कि जब हाउस की कार्यवाही चल रही थी तो इस प्रकार से विपक्षी सांसद जो कि स्नूपिंग के मामले को लेकर लगातार आरोप लगा रहे थे, खेला होबे का नारा था उनका और स्नूपिंग को लेकर आरोप लगाते हुए लगातार कागज फेंक फेंक के हाउस में उड़ाए गए। बिल्कुल देवेंद्र, आप तो खुद सदन में मौजूद थे, आपने एक एक तस्वीर देखी और उसका वर्णन किया इससे, और ये तब हुआ है जब इससे कुछ दिनों पहले ही राज्यसभा में टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने पर्चे फाड़े और उन्हें इस सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, उससे भी सबक ना लेते हुए विपक्ष द्वारा ये फिर से किया गया। जी हाँ, निश्चित तौर से फर्क सिर्फ उसमें ये आ रहा था कि आज जो वो एक घटना थी, आज जो लोग कागज फेंक रहे थे उसमें वेल में जो मौजूद सांसद थे उन्होंने पूरा एक घेरा बना रखा था, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से, मतलब संसद का लोकसभा का जो वेल है उस वेल में विपक्षी सांसद लगातार चारों तरफ से घेरे हुए थे और वहां पर कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे थे। पहले कुछ प्लेकार्ड ऊपर प्रेस गैलरी में आए जो कि स्पीकर के चेयर के ठीक ऊपर होता है, प्रेस गैलरी काफी ऊंचाई पे है, वहां पे 2-3 प्लेकार्ड फेंके गए, उसके बाद कागज पहले थोड़ी कम मात्रा में कागज फाड़ के फेंके जा रहे थे, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई क्योंकि हंगामे के चलते कार्यवाही रुक नहीं रही थी, तो उसके बाद वो कागज जो फाड़ के फेंक रहे थे उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो इतना ज्यादा हो गया कि जिसके चलते चेयर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। उसमें राजेंद्र अग्रवाल जो कि चेयर पे मौजूद थे, लोकसभा के चेयर पे, उन्होंने सदन की कार्यवाही को स्थगित किया अभी। बिल्कुल देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, वो दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। एक तस्वीर आज की है जब विपक्ष के सांसद वेल में आ गए, वहां पर घेरा बना लिया और लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में पर्चे फेंकने लगे, पर्चे फाड़ने लगे, और 5 दिन पहले की यानी कि शुक्रवार की राज्यसभा की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कुछ कह रहे थे तो उनके हाथ से टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने वो पर्चा छीन लिया, उसे फाड़कर उपसभापति के सामने फेंक दिया, जिसके बाद उन पर एक्शन लिया गया और एक बार फिर से कुछ उसी तरह की तस्वीरें आज लोकसभा में सामने आई हैं जब विपक्ष के सांसदों द्वारा पर्चा फेंका गया उपसभापति पर। ना सिर्फ पर्चा फेंका गया, उन पर्चों को पहले फाड़ा गया, उसके बाद सदन में फेंका गया, और इतनी ज्यादा संख्या में ये पर्चे थे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी देवेंद्र ने भी बताया कि ये जो विजुअल हम दिखा रहे हैं ये चंद सेकंड का है, लेकिन काफी लंबे वक्त तक इस तरह से पर्चे फाड़े गए, सदन में फेंके गए, सदन का अपमान किया गया विपक्षी सांसदों द्वारा, और अंततः जब चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी उपसभापति द्वारा, तब भी विपक्ष के जो सांसद थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे, जिस कारण उपसभापति को हाउस को एडजर्न करना पड़ा, लोकसभा को 12:30 बजे के लिए एडजर्न करना पड़ा। हालांकि कुछ देर पहले राज्यसभा में भी जब कार्यवाही शुरू हो रही थी तब विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और विपक्ष को लगातार शांत कराने की कोशिश वहां पर भी की जा रही थी, लेकिन विपक्ष के नेता शांत नहीं हो रहे थे और तब 12 बजे तक के लिए राज्यसभा को एडजर्न किया गया था। फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और आपको सीधे राज्यसभा ले चलते हैं। और उस हवाई सेवा को सस्ता बनाना ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री उस हवाई सेवा पे पल चल पाए, और एक आंकड़ा मैं आपके समक्ष सदन के समक्ष में पेश करना चाहता हूँ कि 2010-11 में केवल 3.5 करोड़ हमारे यात्री देश में होते थे, वो आज बढ़कर करीब करीब 6.5 करोड़ हो गए।
अगर कोरोना का ये महामारी ना आता तो हम लोग 10 करोड़ के करीब पहुंच जाते। वर्तमान में इसे वृद्धि देना ये हम लोगों का लक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 95 श्री त्रिचू शिवाजी, श्री त्रिचू शिवाजी प्लीज पेस्ट योर क्वेश्चन। मिस्टर माननीय मंत्री, अ स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। राज्यसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उपसभापति यहां कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पीछे से विपक्ष का हंगामा भी जारी है। एक सुर में विपक्ष के सांसद नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में उनके पोस्टर है। यहां पर वो पेगासस मामले में जांच की मांग को लेकर किसानों के मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं। पक्षियों द्वारा नारेबाजी की जा रही थी, हंगामा किया जा रहा था। ऑल द सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ओवर हैव बीन कवर्ड एंड द स्टेट वाइज द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट ऑफ द आंसर इटसेल्फ एंड आई वुड बी हैप्पी टू प्रोवाइड एनी अदर फर्दर डिटेल्स। सो द अमृत स्कीम व्हेन इट वाज स्टार्टेड कवर्ड अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द कंट्रीज अर्बन स्पेस। And as the Honorable Finance Minister said in her budget speech, there is a proposal to have a follow-up scheme to Amrut, which would cover the remaining parts of the country, both for water connection 100%, also for sewage and septic treatment, also for the remaining things, particularly with a focus through Swachh Bharat Mission 2 and through the successor scheme to Amrut, the rest of the country 100% will be covered. Next supplementary, sir. Recent floods and water flooding in several cities across Kolhapur and Sangli in Maharashtra during monsoon have exposed our drainage system. तो एक तरफ कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश, वहीं पीछे से विपक्ष के जो सांसद हैं वो ना सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं बल्कि हाउल भी कर रहे हैं। लंबी ऊंची आवाजें निकालने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। उनका मकसद यही कि काम को, कार्यवाही को सुचारू रूप से आगे ना चलने दिया जाए। राज्यसभा के हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार राज्यसभा में हंगामा जारी है। जब से सदन शुरू हुआ है मानसून का ये सत्र, तब से ही दोनों हाउसेज में विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। और आज तो उन्होंने हाउलिंग और हूटिंग भी शुरू कर दी ताकि कार्यवाही आगे बढ़ ना सके, काम यहां पर हो ना सके। दो तस्वीरें हम आपको सदन की दिखा रहे हैं, एक आप लोअर हाउस यानी कि लोकसभा की देख रहे हैं, दूसरी अपर हाउस यानी कि राज्यसभा की। लोकसभा हालांकि अभी एडजर्न हो चुकी है, लेकिन जब यहां पर कार्यवाही चल रही थी तब विपक्ष द्वारा पर्चे फेंके गए, हंगामा किया गया। संसद में शशि थरूर को लेकर क्यों हुआ हंगामा, पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।